बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। पंजाब में एक और जहां आए दिन खालिस्तानी कानून व्यवस्था को चुनौती देने पर तुले हैं, हाथ में तलवारें डंडे लेकर थाने पर कब्जा किया जा रहा है। खुलेआम तिरंगे की जगह खालिस्तान का झंडा लेकर माहौल खराब किया जा रहा है। वहीं अब इस बीच खबर है कि अम्बाला शहर के नगर निगम कार्यालय में तिरंगे का अपमान किया गया है। बताया जा रहा है कि अम्बाला नगर निगम के ऑफिस पर फटा तिरंगा लगा मिला, जिसके बाद एएसआई सतीश कुमार ने इस संबंध में शिकायत दी और आपराधिक मामला दर्ज हुआ। शिकायत में उन्होंने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर दिखा था कि नगर निगम के कार्यालय पर एक तिरंगा लगा है जो मैला भी है और फटा हुआ भी। उन्हें ये तिरंगे का अपमान लगा, इसलिए उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग की। एएसआई सतीश की शिकायत पर राष्ट्रीय तिरंगे के अपमान की धारा 2 के तहत अम्बाला शहर थाने में केस को दायर किया गया है। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि नगर निगम कार्यालय पर पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर नगर निगम के अधिकारियों ने झंडा फहराया था और तब से उन्होंने इसको बदला ही नहीं। झंडे का कपड़ा पुराना हो चुका था और किनारों से फट भी गया था। अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है, रिकॉर्ड मांगा गया है, पता लगाया जा रहा है कि तिरंगे की देखरेख का जिम्मा किसका होता है। आरोपी का पता लगने पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज को लगाने के लिए बहुत नियम होते हैं, उसे कचरे में या अन्य जगहों पर फेंकना बिल्कुल निषेध है। अगर कोई फिर भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको सख्त सजा मिल सकती है। पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह तिरंगे लगाए गए थे। सरकारी कार्यालयों से लेकर घरों और निजी दफ्तरों में भी झंडे फहरते दिखे थे। इस अभियान से पहले केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में संशोधन किया था, जिसे अनुमति दी गई थी कि राष्ट्रीय ध्वज को रात में भी खुले में फहराया जा सकता है। उससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही फहराने की अनुमति थी। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।